जोहार आप सभी स्टूडेंट्स का आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ जोन पर। मैं सचिन चंद्र आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ जोन पर। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि आप सभी देख पा रहे हैं लेक्चर नंबर 24 में हम लोग एंटर कर चुके हैं। सेमेस्टर 2 के बच्चों के लिए वीडियो लेक्चर सेशन चल रहा है। डिफरेंशियल इक्वेशन बुक का नाम है, चैप्टर का नाम है। बीएससी मैथमेटिक्स ऑनर्स का सेशन चल रहा है, बीटेक वालों के लिए चल रहा है, बीई वालों के लिए चल रहा है, पेपर नंबर 4 चल रहा है। और जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन दिया गया है, एक्स वाई स्क्वायर माइनस ई टू द पावर 1 अपॉन एक्स क्यूब इंटू डी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर वाई इंटू डी वाई इक्वल टू जीरो। आप अगर गौर से देखेंगे तो एक्स टू द पावर 1 प्लस 2 3, 2 प्लस 1 3, और यहां पर जरा देखिए इसका पावर चल जाएगा तो एक्स टू द पावर माइनस 3 हो जाएगा, ई टू द पावर एक्स टू द पावर माइनस 3 हो जाएगा। तो कुल मिला के देखा जाए इसका और इसका तो सेम है, लेकिन इसका सेम नहीं है, यानी कि ये होमोजेनिटी रूल को फॉलो नहीं करता, होमोजेनस नहीं है। ठीक है, पहली बात। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे तो इसीलिए ये रूल नंबर 2 से 3 से है ना नहीं बन पाएगा, रूल नंबर 2 और 3 से नहीं बन पाएगा। रूल नंबर 1 आपका इंस्पेक्शन मेथड था, तो रूल 2 और 3 से भी नहीं बन पाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ, जब ये नहीं बन पा रहा है तो फिर रूल नंबर 4 से बनेगा या फिर रूल नंबर 5 से बनेगा। अब क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा वो बाद में हम लोग डिसाइड कर लेंगे, लेकिन अभी क्वेश्चन अभी हम लोग सिर्फ देख लेते हैं। जो काम करते हैं सब में वो सिमिलर काम हम लोग इसमें भी काम करेंगे, ठीक है ना। आइए देखते कैसे पहचानते हैं, आइए ध्यान दीजिए। तो पहले लिखते हैं सॉल्यूशन में गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज। तो ऐसा नहीं कि आप भी देख करके ऐसा सोचते रह जाओ अरे भाई किससे बनेगा किससे बनेगा, वो बात की बात है, पहले देखो कि प्रोसेस कहां तक ले जाता है आपको। तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज ये लिख लीजिए इक्वेशन नंबर 1। अब कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विद द इक्वेशन, इस इक्वेशन को कंपेयर कीजिए एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू जीरो, है ना। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन का। अब m का वैल्यू यहां से कंपेयर करने के बाद ये मिल गया और n का वैल्यू यहां से कंपेयर करने के बाद ये मिल गया। अब डेल m बाय डेल y निकालो, डेल n बाय डेल x निकालो। डेल m बाय डेल y निकालेंगे, चूंकि y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x को कांस्टेंट मानेंगे, तो y स्क्वायर का 2y हो जाएगा, x को कांस्टेंट बाहर निकाल दिए, ये x का फंक्शन है इसलिए 0 हो जाएगा। डेल n बाय डेल x निकालेंगे, अब x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y को कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, y को कांस्टेंट रखिए, x स्क्वायर का 2x हो गया माइनस 2xy। अब कहीं ना कहीं आप देख पा रहे हैं कि डेल m बाय डेल y और डेल n बाय डेल x आपस में बराबर नहीं है, सिंस डेल m बाय डेल y इज नॉट इक्वल टू डेल n बाय डेल x, देयरफॉर इक्वेशन 1 इज नॉट एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। इसीलिए इक्वेशन 1 एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। और जब नहीं होता है तो फिर हम लोग क्या करते हैं रूल 2 और 3 में, याद कीजिए, मैं आपको बता देता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि ये रूल क्यों लगा रहे हैं, ये रूल अब आपको मौका है समझने का, ठीक है, बढ़िया समझिएगा। तो चलिए, हाँ, हम लोग जिसको हम लोग रूल 1 कह रहे हैं और रूल 2 कह रहे हैं, इससे पहले एक इंस्पेक्शन मेथड था। तो रूल 1 जो है उसको मैं रूल 2 कह रहा हूं और रूल 2 जो है उसको मैं रूल 3 कह रहा हूं, ठीक है। क्यों ऐसा कह रहा हूं बाबू, क्योंकि जो अभी इससे पहले वाले आपको वीडियो लेक्चर में पढ़ाया था रूल नंबर 4 और 5 पढ़ाया था, ठीक है, जो कि आज के इस वीडियो लेक्चर में भी ये लागू होने वाला है। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं बाबू, आप ऐसा कंफ्यूज मत हो, फालतू का कंफ्यूज मत हो, आप ऐसा समझो रूल नंबर 1 जो है वो रूल नंबर 1 है, और इससे पहले मैंने एक पढ़ाया था आपको इंस्पेक्शन मेथड, ठीक है, बस आप इतना याद रखना इंस्पेक्शन मेथड। टोटल में आपको बताया था इंटीग्रेटिंग फैक्टर का इस्तेमाल या लगाएंगे वो 6 तरीके से लगाएंगे, उसका 6 रूल है निकालने का। तो मैंने इंस्पेक्शन मेथड बताया, इसके बाद रूल नंबर 1, इसके बाद रूल नंबर 2, और आज आपको जो है इसे और इसके बाद वाला लेक्चर में इससे पहले वाला में मैं आपको रूल नंबर 4 बताया था, रूल नंबर 5। तो आप बोलोगे कि रूल नंबर 3 कहां गायब हो गया, आप बोलोगे रूल नंबर 3 कहां गायब हो गया, तो बाबू ऐसा नहीं है, इंस्पेक्शन मेथड को हम 1 कह रहे हैं और एम डी एक्स प्लस एन डी वाई जिसमें एम एक्स प्लस एन वाई नॉट इक्वल टू जीरो था उसको रूल 2 कह रहे हैं, और एक था आपका एफ वन एक्स वाई इंटू वाई इंटू डी एक्स प्लस एफ टू एक्स वाई इंटू एक्स डी वाई इसको हम लोग रूल 3 कह रहे हैं, है ना, जिसको मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में आपको रूल 2 लिखवाया था, ठीक है ना। चलो हटाओ, उतना कंफ्यूज मत हो बाबू, इतना कंफ्यूज नहीं करो, ठीक है। सिंपली लॉजिक ये आप रखो कि रूल नंबर 1 जहां पर आपका रूल नंबर 1 लिखा हुआ था वो आप देखो,
मैंने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में रूल नंबर 1 लिखवाया था कहीं, ठीक है, इंस्पेक्शन मेथड को हटाओ, पहले रूल नंबर 1 पर बात करो। तो इसमें हम बात करेंगे कि इसमें रूल नंबर 1 क्यों नहीं लग रहा है। तो रूल नंबर 1 तब लगता है जब mx plus ny not equal to 0 रहे, और साथ ही साथ जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है, वो होमोजेनस हो। तो पहली बात तो होमोजेनस है नहीं, नॉन होमोजेनस हो गया तो रूल नंबर 1 तो लगेगा नहीं। तो रूल नंबर 2 में अगर होमोजेनस नहीं है तो रूल नंबर 2 नॉन होमोजेनस है तो फिर लग सकता है, लेकिन उसके लिए भी क्राइटेरिया है। उसके लिए क्या क्राइटेरिया है? उसके लिए क्राइटेरिया है ये कि एक साथ एक्स वाई का टर्म होना चाहिए, है ना। उसके लिए क्राइटेरिया क्या है आप देखिएगा, रूल नंबर 2 में आप देखिएगा, एक साथ एक्स वाई का टर्म एक ब्रैकेट में होना चाहिए, और इसके बाद आपका क्या होना चाहिए बच्चों, इसके बाद आपका होना चाहिए वाई। हाँ, तो देखिए यहां पर ध्यान दीजिएगा, आप देखिएगा रूल नंबर 2 को देखिएगा, एक साथ एक्स वाई का टर्म होगा, एक साथ एक्स वाई का टर्म होगा, मतलब इस ब्रैकेट में एक्स वाई का टर्म होगा, और यहां पर वाई डीएक्स होगा बाहर में, ब्रैकेट के साथ था, याद कीजिए, एफ वन एक्स वाई इंटू वाई डीएक्स था, याद है ना, और यहां पर था एफ टू एक्स वाई, और यहां पर एक्स डीवाई था, यानी कि कहीं ना कहीं डीएक्स के साथ आपका वाई मल्टीप्लाई में होना चाहिए, और डीवाई के साथ एक्स मल्टीप्लाई में होना चाहिए, और इसके अंदर में एफ टू एक्स वाई होना चाहिए, और इसके ब्रैकेट के अंदर में एफ वन एक्स वाई होना चाहिए। एक बार मैं जरा देख लूं, हाँ यही आपका भी था, एफ वन एक्स वाई एक ब्रैकेट में और इंटू वाई फिर डीएक्स प्लस एफ टू एक्स वाई ब्रैकेट में इंटू एक्स फिर डीवाई, मतलब इस क्राइटेरिया को अगर फॉलो करें तभी जाकर के हम लोग रूल टू अप्लाई कर सकते थे, लेकिन रूल टू भी हम लोग अप्लाई इसी वजह से नहीं कर पा रहे हैं, समझ रहे ना। इसीलिए ना तो रूल वन लगा ना तो रूल टू लगा, और इंस्पेक्शन मेथड लगने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है, क्योंकि मैं ऐसा कोई इंडिकेटिंग फैक्टर नहीं खोज पा रहा हूं जिसको मल्टीप्लाई करने से ये किसी का डायरेक्ट डिफरेंशियल बन जाए, ये पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा है। इसीलिए तो इंस्पेक्शन मेथड तो लगने से रहा, और दूसरा बात रूल वन भी नहीं लग रहा है, रूल टू भी नहीं लग रहा है, ठीक है ना, रूल वन रूल टू, रूल वन रूल टू नहीं लग रहा है। तो इंस्पेक्शन मेथड को अगर रूल वन मान लिया जाए, और रूल वन और रूल टू को, रूल वन को रूल टू मान लिया जाए, और रूल टू को रूल थ्री मान लिया जाए, तो टोटल 3 रूल उधर का, और चौथा रूल जो कि मैंने प्रीवियस क्लास में पढ़ाया था आपको, तो जब ये 3 रूल नहीं लगाया गया तो चौथा या तो पांचवा लगेगा, है ना। तो वही बात है, ठीक है ना, वही बात है। तो फिर हम लोग यहां पर रूल नंबर 4th लगाएंगे या तो 5th लगाएंगे। तो आइए रूल नंबर 4th लगाते हैं, यहां तक मैंने आपको समझा चुका हूं, अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, 1 अपॉन n डेल m बाय डेल y माइनस डेल n बाय डेल x, ये आपका रूल नंबर 4 कहता है कि अगर ये हो गया रूल नंबर 1, इंस्पेक्शन नहीं लग रहा, रूल नंबर 1 नहीं लग रहा, 2 नहीं लग रहा है, है ना, तो रूल नंबर 3 के लिए तो बीच में गैपिंग था, उसके बाद जंप कर गए तो रूल नंबर 4 में, तो आप ऐसा ही सोच रहे होंगे, लेकिन इंस्पेक्शन को अगर मान लीजिए रूल नंबर 1 मान ले, और रूल 1 जो मैं पढ़ाया था उसको रूल 2 मान ले, और रूल 2 जो पढ़ाया था उसको रूल 3 मान ले, तो कुल मिला के 3 रूल हो गया। तो 3 रूल के बाद चौथा रूल लगाएंगे, ऑब्वियस सी बात है, और ये भी नहीं लागू होगा तो फिर पांचवा रूल लगाएंगे। तो चौथा रूल हमको कहता क्या है, जो कि इससे पहले जस्ट वीडियो में पढ़ाया था आपको, 1 अपॉन n डेल m बाय डेल y माइनस डेल n बाय डेल x, जो बच्चा शुरू से नहीं पढ़ रहा होगा उसको कुछ समझ में नहीं आएगा, 1 अपॉन n डेल m बाय डेल y माइनस डेल n बाय डेल x। तो आप ये निकालेंगे, रूल नंबर 4 आपको ये कहता है, अगर इसमें भी ये फेल हो जाता है, इसका क्या कहना है कि अगर ये करते हैं तो आपका सिर्फ x का फंक्शन होना चाहिए, अगर नहीं होता है तो फिर आप इसको लगा नहीं सकेंगे, रूल नंबर 4, तो आपको रूल नंबर 5 लगाना पड़ेगा, है ना। तो चलिए हम लोग सबसे पहले रूल नंबर 4 लगाते हैं, 1 अपॉन n डेल m बाय डेल y माइनस डेल n बाय डेल x, 1 अपॉन n, n का वैल्यू क्या है बाबू, तो माइनस x स्क्वायर y रख दिया, डेल m बाय डेल y, तो m का वैल्यू क्या है, ये है, अच्छा डेल m बाय डेल y का वैल्यू 2xy है, डायरेक्ट पुट कर दो, माइनस डेल m बाय डेल x का वैल्यू क्या है, माइनस 2xy, माइनस 2xy, माइनस माइनस प्लस 2xy, 2xy, 4xy अपॉन x स्क्वायर y, एक x से एक x मर गया, एक y से एक y मर गया, तो माइनस 4 अपॉन x बच गया। मतलब आप देख सकते हो, मैं इसको हटा देता हूं जरा, मतलब आप देख सकते हो सिर्फ x का फंक्शन आ गया, जो कि और इसी x के फंक्शन को fx से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसी को से कहिए, इसी को कहिए fx फंक्शन, ठीक है, इतना क्लियर है। अब जरा समझिए, जब x का फंक्शन हो जाता है तब रूल नंबर, ऑब्वियस सी बात है कि कंफर्म हो जाते हैं कि रूल नंबर 4 अप्लाई होगा, और रूल नंबर 4 क्या कहता है
कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसका क्या होगा, तो e to the power integration of fx dx, तो fx का वैल्यू क्या आया, तो -4 upon x रख दिया और -4 को बाहर कर दिया और 1 upon x dx का इंटीग्रेशन log x होता है और log के प्रॉपर्टी से -4 जंप कर जाएगा x to the power -4 हो जाएगा है ना, क्योंकि n log m को हम लोग क्या लिख सकते हैं, log m to the power n, मतलब जो m मतलब log का आर्गुमेंट में जो रहेगा m, वो जो n बाहर में गया है वो ऊपर में उसका पावर में आ जाएगा, इसलिए x to the power -4 हो जाएगा। बेस e और इधर का e सेम है, तो इसका मतलब होता है x to the power -4 होता है, इसी को हम लोग 1 upon x to the power 4 भी लिख सकते हैं। तो चलिए, बड़ा खुशी का बात है कि हम लोग को इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल गया है। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर को हम लोग गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन 1 में, 1 कहां, ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन 1 में मल्टीप्लाई करेंगे और एक नया डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग को हासिल होगा, उसको हम लोग इक्वेशन 2 बोलेंगे और उसी डिफरेंशियल इक्वेशन में फिर हम दिखाएंगे कि इसका डेल एम बाय डेल वाई निकालिए और डेल एन बाय डेल एक्स निकालिए तो दोनों बराबर होगा, और तब जाके आप कह पाइएगा कि अब जो डिफरेंशियल इक्वेशन आया है वो एग्जैक्ट है, और एग्जैक्ट है तो उसका सॉल्यूशन क्या होता है। जनरल मेथड फॉर सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन के मदद से फिर हम लोग एम डी एक्स प्लस एन नॉट कंटेनिंग टर्म ऑफ एक्स इंटू डी वाई इक्वल टू सी, ये हम लोग लगा करके आगे सॉल्व करेंगे, जहां पर एम डी एक्स में एम के टर्म्स में अगर मान लीजिए वाई आ जाए तो उसको कांस्टेंट ट्रीट किया जाता है। तो चलिए अब आगे आगे देखिए क्या होता है, मुझे पूरा इरेज करना पड़ेगा, सिर्फ इंटीग्रेटिंग फैक्टर को आप लोग याद रखिएगा 1 अपॉन एक्स टू द पावर 4 है और बाकी बात तो फिर करना होगा। चलिए हमको इरेज करना पड़ेगा, तब तक आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए अब आगे की ओर मूव करते हैं। तो बच्चों देखिए, इंटीग्रेटिंग फैक्टर तक हम लोग निकाल चुके थे, अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर को इक्वेशन 1 में मल्टीप्लाई करेंगे। तो नाउ मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1 बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर देन वी गेट, तो 1 अपॉन x टू द पावर 4 * xy स्क्वायर - e टू द पावर 1 अपॉन x क्यूब * dx - 1 अपॉन x टू द पावर 4 x स्क्वायर y * dy = 0। ये आपका इक्वेशन 1 था, लेकिन जहां-जहां x टू द पावर 4 मल्टीप्लाई कर दिए तो इस वजह से एक नया इक्वेशन आएगा। चलिए आइए देखते हैं, दैट इज इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो y स्क्वायर अपॉन x क्यूब माइनस e टू द पावर 1 अपॉन x क्यूब अपॉन x टू द पावर 4 * dx माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर हो जाएगा, x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा, ओनली x स्क्वायर बचेगा * dy इक्वल टू 0, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह रहे हैं। Here m बराबर y square upon x cube minus e to the power 1 upon x cube upon x to the power 4 and n बराबर minus 1 y upon x square, तो minus y into x to the power minus 2 हो जाएगा। अब del m by del y निकालिए, तो y को constant treat नहीं किया जाएगा, x को constant treat किया जाएगा क्योंकि y के respect में partial derivative हो रहा है, तो y square का 2y और 1 upon x cube हो गया minus ये x का पूरा टर्म है इसलिए इसका 0 हो गया क्योंकि y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव हो रहा है, तो 2y अपॉन x क्यूब हो गया। डेल एन बाय डेल एक्स निकालेंगे तो आप देखिए n का वैल्यू ये है माइनस वाई समथिंग है, तो माइनस वाई बाहर निकल जाएगा क्योंकि x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव हो रहा था, y को कांस्टेंट ट्रीट करेंगे तो x टू द पावर माइनस 2 है तो माइनस 2 बाहर निकला, x टू द पावर माइनस 2 माइनस 1 यही डिफरेंशिएशन का रूल है, तो माइनस 2 इंटू x टू द पावर माइनस 3 तो माइनस माइनस प्लस 2y अपॉन x टू द पावर प्लस 3, ये पूरा पूरा हो गया, मतलब डेल एम बाय डेल वाई और डेल एन बाय डेल एक्स का वैल्यू आपस में सेम हो गया। वहां पर लिखेंगे सिंस डेल एम बाय डेल वाई इक्वल टू डेल एन बाय डेल एक्स, इसीलिए यहां पर इसीलिए therefore equation 2 is an exact differential equation, therefore solution of equation 2 is given by, तो solution of equation 2 का, equation 2 का solution क्या होगा, m dx where y as a constant plus terms of n not containing x into dy equal to c, तो that is y as a constant m का value क्या है जरा देखिए, तो जरा ये पूरा है इसको रख दिए into dx plus terms of n, n का terms को पकड़ना है, आइए तो पकड़ते हैं, देखिए n का terms ये है, है ना, लेकिन यहाँ पर एक और restriction दिया हुआ terms of n not containing x, जिसमें x ना हो, तो ऐसा कुछ है n का कोई ऐसा term है जिसमें x ना हो, तो है x तो है, इसका मतलब ये भी नहीं लिया जाएगा, तो इसका मतलब यहाँ पर 0 into dy equal to c हो जाएगा। ठीक है, अब मैं एक काम करता हूँ, इसको आगे बनाता हूँ, ठीक है, देखिए देखिए जहां तक बन रहा है उसको यहां पर क्लियर कर देते हैं, तो dx x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है तो y स्क्वायर को कांस्टेंट ट्रीट करेंगे इसीलिए इसको बाहर कर दिए 1 अपॉन x क्यूब * dx अब माइनस ठीक है ना e टू द पावर 1 अपॉन x क्यूब है * x टू द पावर 4 * dx और 0 * dy का तो वो तो हट गया
इक्वल टू का सी, ठीक है ना, ये ई है। तो चलिए अब इसको इरेज करते हैं, उसको भी इरेज करते हैं, सिर्फ ये वाला पोर्शन रहने देते हैं, है ना। चलिए पहले आप इसको उतारिए। तो चलिए अब आगे मूव करते हैं बच्चों। देखिए यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, हाँ यहां तक हम लोग सॉल्व करके ला चुके थे, ठीक है, यहां तक हम लोग सॉल्व करके ला चुके थे, ओके, हाँ यहां तक सॉल्व करके ला चुके थे। अब इसको आगे इलोबरेट कर रहे हैं, तो x टू द पावर माइनस 3 dx हो जाएगा, डेट इज माइनस e टू द पावर 1 अपॉन x टू द पावर 3 और नीचे में x टू द पावर 4 इंटू dx इक्वल टू c। चलिए मैं अब ये नीचे वाला को इरेज करता हूँ, ठीक है, इसी चीज को मैं ऊपर में इलोबरेट कर दिया हूँ, ध्यान दीजिएगा। अब मैं क्या करता हूँ कि ये तो इजीली सॉल्वेबल हो जाएगा, इंटीग्रेबल हो जाएगा, इंटीग्रेट हो जाएगा, बट ये वाला थोड़ा प्रॉब्लम करेगा, इसीलिए मैं एक काम करता हूँ, 1 अपॉन x क्यूब को t मान लेता हूँ। ऐसा क्यों सर, ऐसा क्यों? ओके, आपका मन में ये होगा, ये सवाल जरूर होगा, लेकिन बाबू आप लोग एगो बात कहिए, तो आप लोग क्लास 12 तो पढ़े होंगे, तो इंटीग्रेशन वगैरह सॉल्व करने जानते हैं कि नहीं जानते हैं? अगर नहीं जानते तो सीख लीजिए ना बाबू, 1 अपॉन एक्स क्यूब है यहाँ पर, तो इसको टी पुट करेंगे, तो इसको टी पुट कीजिए ना, काम खत्म। देखिए एक्स क्यूब को टी पुट करेंगे तो ये ऊपर जाएगा, तो एक्स द्वारा माइनस 3 होगा, माइनस 3 फिर इंटू एक्स द्वारा माइनस 3 माइनस 1 होगा, इंटीग्रेस डिफ्रेंसिएशन इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। आप देखो बच्चा, माइनस 3 इंटू एक्स द्वार माइनस 4 डी एक्स इक्वल टू डी टी, तो देखो एक्स द्वार माइनस 4 है तो नीचे जाएगा, तो 1 अपॉन एक्स द्वार 4 इंटू डी एक्स माइनस 3 इंटू में, तो डिवाइड में चल जाएगा, तो डी टी अपॉन माइनस 3। अब डेट इज y स्क्वायर x टू द पावर माइनस 3 के इंटीग्रेशन, माइनस 3 प्लस 1 माइनस 3 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन x टू द पावर 4 इंटू डी एक्स का dt अपॉन माइनस 3 है, तो dt अपॉन माइनस 3 e ओवर 1 अपॉन x क्यूब का क्या है, क्या लेट की है, तो t लेट की है, तो t हो गया इक्वल टू c। अब यहां पर जरा समझिए, y स्क्वायर x टू द पावर माइनस 3 प्लस 1 माइनस 2 अपॉन में माइनस 3 प्लस 1 माइनस 2 प्लस माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन 3 e टू द पावर t इंटू dt इक्वल टू c। अब माइनस 1 बाई 2 निकल गया, वाई स्क्वायर एक्स द्वारा माइनस 2 है तो नीचे गया, तो प्लस 2 प्लस 1 अपॉन 3 ई टू द्वार टी का इंटीग्रेशन ई टू द्वार टी इक्वल टू सी। अब करना क्या है, हो गया आंसर, है ना, दिस इंप्लाइज डेट माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 2 हो गया, एक मिनट, हाँ, और इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, y अपॉन x का होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 3 और e t का वैल्यू क्या है बाबू, तो t का वैल्यू 1 अपॉन x क्यूब है, 1 अपॉन x क्यूब इक्वल टू c। तो ये आपका हो गया जनरल सॉल्यूशन फॉर गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आशा है कि आपको ये वीडियो लेक्चर समझ में आ गई होगी, और अगर कहीं प्रॉब्लम है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं अपना नंबर दे देता हूं, वहां से आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर नंबर 25, तब तक के लिए जोहार, खुश रहिए, आबाद रहिए, पढ़ते रहिए, धन्यवाद।